डियर विद्यार्थियों, आरसीआई एचएफ बानसूर की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम क्लास 12 फिजिक्स में अध्ययन करने जा रहे हैं निरोधी विभव का प्रकाश की आवृत्ति पर अध्ययन या प्रभाव क्या होता है। हमने इससे पहले की जो वीडियो थी उसका अध्ययन किया था निरोधी विभव के बारे में या अंतक विभव के बारे में, तो आज हम उसका अध्ययन करेंगे आवृत्ति पर क्या प्रभाव डालता है। तो क्या होता है कि कैथोड और एनोड के मध्य जब हम पहले से अधिक आवृत्ति का जब हम प्रकाश आपतित करते हैं तो परिपथ में प्रकाश धारा प्रवाहित होती है, लेकिन हम जब एनोड को ऋणात्मक विभव देते हैं तो उस अवस्था में ऋणात्मक विभव पर प्रकाश धारा का मान शून्य हो जाता है। लेकिन जब हम आवृत्ति के मान में वृद्धि करते हैं तो आवर्ती के मान में वृद्धि करने से विभांतर का जो मान है यानी निरोधी विभव जो मान है वो संख्यात्मक मान में वृद्धि हो रही है। आप देख पा रहे हैं कि जैसे हम आवर्ती के मान में अगर वृद्धि करते हैं तो ये जो संख्यात्मक जो मान है इसमें वृद्धि होती है, लेकिन प्रत्येक मान के लिए जो संतृप्त धारा का मान है वो सबके लिए एक समान ही प्राप्ति होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जब निरोधी विभव के संख्यात्मक मान में यदि हम वृद्धि करते हैं मान बढ़ाते हैं तो केवल आवर्ती का जो मान बढ़ाते हैं तो प्रत्येक आवर्ती के मान के लिए विभव का संख्यात्मक मान बढ़ता रहता है, इसके मान में वृद्धि होती रहती है, लेकिन प्रत्येक मान के लिए जो धारा का मान है वो सबके लिए समान प्राप्त होता है और ये जो धारा है उसको हम संतृप्त धारा कहते हैं। अब इसमें क्या होता है कि जैसे तो यहां से हम कह सकते हैं कि विभव का जो मान है वो आवर्ती पर डिपेंड करता है, लेकिन इसमें ये कहेंगे कि आवर्ती का मान बढ़ाने पर केवल और केवल निरोधी विभव का केवल संख्यात्मक मान ही बढ़ पाता है। अब हम किसी अगर हम किसी भिन्न भिन्न धातुओं की बात करें, जब हम अलग अलग धातुओं के लिए जब हम ग्राफ बनाते हैं विभव और आवर्ती के मध्य तो ग्राफ इस तरह से प्राप्त होता है। देखो जैसे अगर हम दो धातु ले लें, जैसे माना इस तरह हम ग्राफ बनाते हैं, अगर हम इधर विभव की बात कर लें, ये माना हमारा निरोधी विभव है, इधर निरोधी विभव V नॉट, और हम इधर ले लें आवर्ती प्रकाश की आवर्ती। जब हम विभव और आवर्ती के मध्य ग्राफ बनाते हैं तो भिन्न भिन्न धातुओं के लिए, जैसे माना ये हमारी कोई धातु ए है और ये धातु बी है, तो इस ग्राफ से स्पष्ट होता है कि निरोधी विभव और आवर्ती के मध्य जब हम दो भिन्न भिन्न धातुओं के लिए ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ के मध्य सरल रेखा प्राप्त होती है और इन दोनों आपस में समांतर रेखा प्राप्त होती है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि विभव का जो मान है वो आवर्ती पर डिपेंड करता है, निर्भर करता है, लेकिन धातु के लिए दिल्ली आवर्ती का मान और जो कार्य फलन है उसका जो मान है वो उसका मान इनके लिए अलग अलग प्राप्त होता है। तो यहां से हम समझ गए होंगे कि निरोधी विभव का जो मान है वो आवर्ती पर डिपेंड करता है, लेकिन जो धातु भिन्न भिन्न होती है उन भिन्न भिन्न धातुओं के लिए इसका जो दिल्ली जो आवर्ती है या इसका जो कार्य फलन होगा सबके लिए अलग अलग मान प्राप्त होगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो अध्ययन करेंगे।